पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गौठानों का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार गौठानी का भ्रमण करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा आदर्श गौठान बसंतपुर पहुंचे, जहां देखते ही देखते कार्यकर्ताओं तथा आम जनताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। समस्त कार्यकर्ताओं समेत आदर्श गौठान का घूम घूम कर निरीक्षण किया गया, जहां न तो गायों के खाने के लिए चारा ही दिखाई दिया, नहीं गायों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था दिखाई दिया, नहीं वहां पर एक भी गाय दिखाई दिया। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला आदर्श गौठान पूरी तरह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। गौठान से किसी आम नागरिक आम जनता को कोई लाभ नहीं होना पाया गया, सिर्फ और सिर्फ संबंधित कर्मचारी और अधिकारी ही मालामाल हुए हैं। गौठानों की हालत देखते हुए पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भूपेश की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है, जिसका जीता जागता सबूत गौठानों में देखने को मिल रहा है, जो कि गौठान अपने आप में ही भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। यहां तक कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना बताया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। किसी का विकास होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भी जमकर नारेबाजी करते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को गरीब जनता का विरोधी बताए। वाडप नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और आज ये पूरे ब्लॉक का आदर्श गौठान बनाया गया है। इसमें जो जानकारी आ रही है यहाँ की जनता से, करोड़ों रुपए का जो है यहाँ पर ये निर्माण कार्य हुए हैं, टेप निर्माण किया गया है, गौठान बनाया गया है, पार्क क्या औद्योगिक पार्क बनाया गया है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है इसमें आदर्श गांव गौठान बनाया गया है, मुझे लगता है कि आदर्श घोटाला है। इस घोटाले का पर्दाफाश से दिखाई दे रहा है। एक भी गाय बैल न कोई बकरी है और न कोई गौठानों में गोबर का इसे जो बिक्री जरूर कुछ दिखा जा रहा है, लेकिन जो बेचने वाले लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि हमारा साल भर से पैसा नहीं मिला। पता नहीं आदर्श गौठान का क्या तात्पर्य है। यह गौठान निश्चित है कि पूरे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि सब जगह से अच्छा बनाया तो गया है। यहाँ जो बात आई है कि करोड़ों रुपया, कई जगह तो 19-20 लाख रुपये की बात आ रही है, लेकिन यहाँ करोड़ों रुपये का बजट ये निर्माण कार शेड निर्माण में किया गया है। नाद बनाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की बात कहें कि एक भी मवेशी नहीं है, न चारा है और न कोई किसी तरह का उद्योग के क्षेत्र में जो बात लिखा हुआ है। बड़े बड़े जो फार्म बिल्डिंग बनाए गए हैं उसमें मुर्गी फार्म की बात आ रही है, बतख पालन की बात हो रही है, एक भी ना मुर्गी है ना बतख है ना बकरा पालन हो रहा है। टोटल प्रदर्शनी के रूप में आदर्श गौठान बनाया गया है, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में इसी तरह मॉडल बनाया गया है आदर्श घोटाले का। ये घोटाला है इस ब्लॉक में प्रतापपुर विधानसभा में, मुझे लगता है सबसे बड़ा घोटाला का अगर आदर्श गौठान बनाया गया तो आदर्श घोटाला भी। अब तो यह स्पष्ट है, अब तो यह स्पष्ट है। मंत्री विधायक भी इस कांग्रेस सरकार की तो प्रदर्शनी बना रखे हैं और यहाँ पर ढाबा भी बनाया गया है गौठानों का, गौठान समिति से ढाबा, ये प्रकार का बढ़िया खा पी रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय समिति है इनका अता पता नहीं है, लेकिन यहाँ की जनता काफ़ी संख्या में इकट्ठा है। ये सब ने कहा है इस गौठान से किसी को कोई फायदा हुआ नहीं और न कोई लाभ मिला है, लेकिन करोड़ों रुपया का सरकार का यहाँ पर घोटाला हो चुका है। बिल्डिंग जरूर बनाया दिखाया जा रहा है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, इसका लाभ क्या मिला है जनता को, ये मैं पूछा जनता से। एक भी कोई जनता ने बताया, महिला समूह को काम दिया गया है कि यहाँ पर मसाला बनाएंगे, कोई धंधा पानी करेंगे, लेकिन महिला समूह भी दिखाई नहीं दे रहा है। नाम के लिए एक महिला समूह का नाम से ढाबा चलाया जा रहा है जरूर, वो समिति सिर्फ नाम के लिए है, ढाबा किसी एक व्यक्ति के नाम से चल रहा है। एक प्रकार का शोषण का अड्डा बना हुआ है यह ढाबा और यह शोषण का यह आदर्श गौठाला, इस तरह का ये सरकार के पर्दाफाश हो चुका है। इसलिए आज हम लोग पूरे पार्टी के लोग भी और जनता के साथ मिलकर के आज जांच कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि सरकार घोटालेबाज है। अब स्पष्ट हो चुका है कि भूपेश सरकार भ्रष्ट है, अब तो यह स्पष्ट है, अब तो यह स्पष्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय रामसेवक पैकरा, जिंदाबाद 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 रामसेवक पैकरा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलबो गौठान बोलबोपुर, चलबो गौठान बोलबोपुर, चलबो गौठान बोलबोपुर। अब तो ये स्पष्ट है, भूपेश सरकार भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, भूपेश सरकार भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, भूपेश सरकार भ्रष्ट है। चलबो गौठान बोलबोपुर, चलबो गौठान बोलबोपुर, चलबो गौठान बोलबोपुर। अब तो ये स्पष्ट है, भूपेश सरकार भ्रष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है।
जिंदाबाद जिंदाबाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.